हाई एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऑरेंज येलो कट क्रीज आई मेकअप लुक विद ब्यूटीफुल विंग्ड आईलाइनर। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन माय इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स। मैं इंस्टा पे शॉर्ट वीडियोस भी डालती हूँ, सो डू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। अगर आपको देखना है कैसे मैंने ये आई मेकअप लुक क्रिएट किया है, देन वीडियो को एंड तक देखिए। पसंद आए तो कीजिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आई मेकअप लुक। आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ निका के ऑटम स्पाइस आई शेडो पैलेट। इसमें से सबसे पहले मैं येलो शेड को अप्लाई करूंगी अपनी क्रीज पे। तो मैं यहाँ पे फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश यूज की हूँ। इसके हेल्प से मैं धीरे धीरे येलो शेड को क्रीज पे ब्लेंड करते रहूंगी और थोड़ा सा बिल्ड करूंगी कलर को। नेक्स्ट मैं ऑरेंज शेड को अप्लाई करूंगी क्रीज पे ही, थोड़ा सा येलो शेड से नीचे, और इसको भी मैं एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से ही अप्लाई कर रही हूँ। और इसको मैं आउटर वी पे ज़्यादा अच्छे से इंटेंसिफाई करूँगी और क्रीज पे भी ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट मैं ऑरेंज शेड के एजेस को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए येलो शेड को फिर से अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं हाफ कट क्रीज ड्रॉ करूँगी। इसके लिए मैंने यूज़ किया है मिस क्लेयर का कंसीलर और इसको मैं एंगल ब्रश के हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ अपनी क्रीज पे। सबसे पहले मार्क कर लूंगी एंड देन क्लीन कर लूंगी पूरे लीड को। एंड देन मैं सेम येलो शेड को अप्लाई करूंगी। तो सबसे पहले मैं सेम फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, पैड कर रही हूँ कलर को। इससे जल्दी आप कलर प्लेस कर सकते हो बट इंटेंस कलर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं फिर से फ्लड ब्रश से येलो शेड को अप्लाई करूंगी। इसके बाद मैं फ्लड ब्रश में कलर लेके अच्छे से पैड कर लूंगी, इससे मुझे इंटेंस कलर मिलेगा। नेक्स्ट मैं सेम ऑरेंज शेड को अप्लाई करूंगी एंड मिक्स कर लूंगी येलो को ऑरेंज शेड के साथ, काइंड ऑफ ट्रांजिशन शेड क्रिएट करने के लिए। और सेम ऑरेंज शेड को फ्लड ब्रश में लेके मैं अपने लोअर लैशेस के क्लोज क्लोज अप्लाई कर रही हूँ। एंड देन मैं येलो शेड को अप्लाई करूंगी सेम फ्लड ब्रश में लेके। तो इसको मैं ऑरेंज शेड से थोड़ा सा नीचे अप्लाई करूंगी एंड इनर कॉर्नर की तरफ भी अप्लाई करूंगी। के बाद मैं अप्लाई करूंगी लाइनर। यहाँ पे मैंने यूज किया है मेबलिन कोलोजल आईलाइनर। इसके हिसाब से मैं विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ करूंगी। मैं थोड़ा सा विंग्ड आउट आईलाइनर ड्रॉ करना चाहती हूँ इस आई मेकअप के साथ, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। मस्कारा के लिए यहाँ पे यूज किया है वेट एंड वाइल्ड मेगा लेंथ मस्कारा। ये लेंथनिंग का काम बहुत अच्छा करता है और ये काइंड ऑफ एवरीडे मस्कारा बोल सकते हो। ये वॉशेबल वेरियंट में है, अच्छा मस्कारा है, यू कैन ट्राई दिस। के बाद मैं शिमरी शेड से ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूंगी। आप यहाँ पे कोई भी लाइटर शिमर शेड यूज कर सकते हो। तो दिस इज द फाइनल लुक गाइस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। और नेक्स्ट कोई भी वीडियो का अगर रिक्वेस्ट है वो भी आप कमेंट डाउन कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपसे मिलूंगी फिर से न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।